अभी मम्मी खूब पैसा कमा रही है तो आप लोग सब कोई अपना अपना कमाए भाई, ताकि मेहनत करे तो क्या हो जाए। ये सब देन तुम्हारा है, तुम ही आई है मेरे घर में तो सब कोई अपना अपना मेहनत। हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया। दोस्तों अभी देख रहे हैं हमने येलो कलर का सूट वेयर किया हुआ, लेकिन ये थोड़ा ना ज्यादा येल्लो मेरे पे दिख रहा है, ठीक है? तो अभी वैसे भी मेरे को येल्लो नहीं पहनना है भाई, अभी हम चलते हैं थोड़ा दूसरा कलर पहनते हैं, दूसरा सूट वेयर कर लेते हैं जो कि बहुत ही सुंदर है, और वो हमने आप लोगों को दिखाया भी था। बाकी उसके बाद से रेडी होते हैं। और अब थोड़ा मम्मी बोली आगे कि मनीषा हमको यही बेडशीट दे देना, हमको यही वाला बेडशीट चाहिए, मतलब उनको यही वाला पसंद आ गया, तो मेरे को अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा फिर से। ये वाला तो मम्मी को दे देंगे क्योंकि मम्मी बोली हैं, तो फिर मम्मी को दे देंगे और वो वाइट वाला रख लेंगे हम खुद। वैसे भी इनको वाइट कलर ही ज़्यादा पसंद है। अभी और भी हमने बहुत सारा यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, बस सामान ही सामान है, तो कितना क्या ही करें समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अभी चल रहे हैं रेडी होने, और पता नहीं लंच करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, इतना सारा काम इतना ज़्यादा हो जा रहा है क्या ही बताऊँ। और उसी में कुछ लोगों का ऐसा ऐसा वीडियो देख ले रहा है ना कि पूरा मूड ऑफ हो जा रहा है, तो एकदम मन नहीं करता है। एक तो टाइम नहीं मिल पाता है, और जैसे ही टाइम मिल रहा है तो यूट्यूब भी खोल रहे हैं, तो बस वही सब आ जा रहा है, इसीलिए छोड़ दिया हमने। दोस्तों अभी देख रहे हैं इतना सारा पार्सल आ गया है, तो अभी ये सबको अलग रख रहे हैं। बाकी ये सब सामान इतना फैल गया है ना कि अब यहाँ से लग रहा है कि इसको हटा देना ही ज़्यादा सही है। तो अभी हम जल्दी से सारा सामान को अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा चूड़ा भी है, क्योंकि ना पूरा भर जा रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। और आप लोग बोलते हैं ना रैक रैक थोड़ा बहुत अलग ही है। तो फाइनली बोरवा को यहाँ रख दिया, अब यहाँ जगह खाली हो गया, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। बाकी ये सब भी अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। मेरी बात है कि हमारे घर में चूहा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अब चलते हैं थोड़ा बेड वेड सही हो जाए। और मेरे वॉच का बैटरी है जिससे हम रिचार्ज कर सकते हैं, बैटरी ही बोलेंगे ना, क्या ही बोलें। तो अभी थोड़ा रूम का साफ सफाई हो जाए, बाकी मम्मी के लिए भी जा रहे हैं चाय बनाने। और ये वाला ड्रेस गए जिसको भी लेना है ना आप लोग प्लीज़ ले लेना, इसका लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी बहुत सारा कुछ है, ये वाला साड़ी आप लोग को दिखा दें कितना सुंदर है, ये भी हमने ऑनलाइन मंगाया हुआ है, जो कि इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। साड़ी का बहुत डिमांड आ रहा है कि दीदी आप ये वाला साड़ी ना वो करो, इसका लिंक दे दो। तो ये वाला साड़ी आप लोग देख रहे हैं वाकई में बहुत सुंदर है, और ये साड़ी सिर्फ 400 रुपये की है। सोचो 400 में इतना सुंदर साड़ी भी मिलता है, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम इसको रख देते हैं, देखते हैं इसको कब सिलवाएंगे, और बहुत जल्दी सिलवा के इसको पहनेंगे। अभी हम अपने अलमारी में भी पूरा पार्सल ही रख दिए हैं, तो यही सब चीज़ है। अभी तो दिवाली के लिए बहुत सारा होम डेकोरेशन का भी सामान हमको मंगाना है, तो वो भी मंगाएंगे बहुत जल्दी। ये सारी चीज़ों को पहले रख देते हैं। ये देखिए ये इयररिंग भी हमने मंगाया हुआ है, बहुत लोगों को लगता है पहनते नहीं है, पर यही वाला इयररिंग पहने हैं, जब से ये मंगवाए हैं तब से अलग अलग पहन रहे हैं, तो थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है खुद को भी, भाई साहब मज़ा आ रहा है। अभी हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर, अब इसको रख देते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे सब नेकलेस ज्वेलरी यही सब कुछ रखे हुए हैं। और आप लोग को बता दें गाइस, जिनको भी अगर ये लेना है ना, एक मिनट लाइट जला देते हैं, जिनको भी ये लेना है ना ये बहुत अच्छा है। जैसे हमने ज्वेलरी को ऐसे ऐसे डिब्बा में रखा है ना, तो आप लोग ये वाला ले सकते हैं, ये स्टोरेज बॉक्स है, इसको ऐसे ओपन करेंगे, इधर से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद देख रहे हैं इसमें हमने इयररिंग्स रखा हुआ है। तो जिनको ये स्टोरेज बॉक्स लेना है सिर्फ 200 रुपये में, दो हमने मंगाया हुआ है, तो आप लोग ले सकते हैं।
अब रूम की सफाई करने जा रहे हैं, ये देखिए कितना प्यारा है। तो इसीलिए हमने इसको ना वो नहीं किया, हमने बोला भाई ये बहुत काम का चीज़ है, इसको हम रख देते हैं। तो ये हम लेके जाने वाले हैं अम्बाला, अभी इसको इसीलिए सामने ही रखे हुए हैं। और इस डिब्बे में आप लोग को दिखा देते हैं, बहुत ही सुंदर सा इयररिंग है, तो इसको भी हम सोच रहे हैं इसमें ही डाल देते हैं। देख रहे हैं आप लोग कितना मस्त है ये। अब इसको ऐसे अलग अलग करके ना अब नीचे का भी खोलेंगे यहाँ पे। ओह माय गॉड, आ गया, मेरे को विश्वास ही नहीं था कि आ गया। देखिए अब इसको ऐसे, देखिए कैसे ज्वेलरी को रखे हुए हैं, तो आप लोग भी ना रख सकते हैं, बहुत ही इजी है इसको रखना। इसको ऐसे लगाओ और ऊपर से इसको, बस देख रहे हैं आप लोग सेफ भी है, कितना भी हिलेगा डुलेगा बिल्कुल इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, टूटने उठने का भी डर नहीं है। तो इतना भर गया है अभी, वाओ ये क्या आया है भाई, ओह माय गॉड, इसमें पतझड़ लग रहा है कुछ मंगाए हुए। चलिए इसको ओपन करते हैं, ठीक है, अभी वो आएंगे तो कहेंगे तुम मेरे से भी ना पूछे ओपन कर दी, लेकिन क्या करें कर देते हैं। ओह वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर है, मेरे को बताते भी नहीं है और इतना अच्छा अच्छा सामान बना है। ओ भाई साहब गाइस देख सकते हैं इतना सुंदर इसका ये है इयररिंग, मतलब इसको पहन सकते हैं। सब लोग बोल रहे थे ना कि तुम बहुत बड़ा बड़ा इयररिंग पहनती हो, तो इसीलिए बोल रहे थे कि मनीषा तुमको सब लोग बोल रहे थे क्या तुम छोटा इयररिंग ऑर्डर कर देंगे, और सच में ये कर दिए हैं। ओ भाई साहब ये ना कल मुझे दिखाई नहीं, ऐसे हम इसको वेयर कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा है गाइस। और ये बहुत कम रेट में, इसका रेट आप लोग जानोगे ना चौंक जाओगे। तो जिनको भी चाहिए आप लोगों को ना इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाके ना बाय कर सकते हैं। अभी हम इसको ड्रॉप देते हैं जैसे था ना वैसे ही पैक कर देते हैं, ताकि उनको पता भी नहीं लगे कि हम खोलेंगे, आएंगे तो बोलेंगे कि आपके सामने ओपन करें इसमें क्या है। अभी इसको रख देते हैं यहाँ पे, बाकी बहुत सारा सामान अभी हमने मंगाया, अभी ये भी अरेंज है अच्छे से, और ये वाला तो बहुत काम का चीज़ है भाई साहब, इसको तो आप लोग जरूर मंगा लेना। हम अभी इसको सजाएंगे, रूम हम पूरा साफ कर लेंगे, तो बाकी ये सारा सामान को अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। ये देखो कैसे कैसे सामान मंगाए, इतना चिपटा बुझा भी नहीं रहा है कि पार्सल भी, इतना कम कम दाम का मंगा दिए हैं सामान। तो बन गई, आप लोग ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, अभी साफ सफाई कर लें। ठीक है गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी बेडशीट कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से, और अभी रूम को हमने पूरा सही कर दिया है, सोफ़ा वोफा जितना यहाँ पे भरा था ना सब खाली कर दिया है हमने, कि अब हो गया है रेडी। और अभी चलते हैं दूसरा ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि ये वाला ड्रेस ज़्यादा येलो येलो दिख रहा है, ये भी मस्त है, आप लोग इसे ले सकते हैं हल्दी वगैरह के लिए, फिर नॉर्मल टाइम बृहस्पतिवार को पहनने के लिए अच्छा है ये ड्रेस। तो अभी चाय बनाए, और नीचे भी कोई आया था तो चाय दे दिए हैं, मम्मी को भी चाय दे दिए हैं, बस अब चलते हैं। टाइम कैसे निकल जा रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, इतना बिजी लाइफ हो गया ना क्या ही बताएं। अभी लंच भी नहीं किया है, तो आज मन ही नहीं कर रहा है लंच करने का मेरा। तो दोस्तों वो वाला सूट हमने वेयर किया था ना, तो बहुत ही येलो येलो दिख रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा अलग ड्रेस वेयर कर दिया पर्पल वाला, क्योंकि कितना प्यारा है आप लोग देख रहे हैं, इसका पैंट भी बहुत अच्छा है और इसमें पैकेट दिया हुआ है, तो आराम से हम ऐसे चल सके ठंड के दिन में, या फिर अपना फ़ोन वोन भी रख सकते हैं। और इसका जो चुन्नी है बहुत ही प्यारा है, एकदम सॉफ्ट है, तो जिनको भी लेना है ना इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फ्रंट में इतना मस्त इस पर डिज़ाइन दिया हुआ है सामने, तो जिनको लेना है जल्दी से जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देर मत करिए। बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, गर्मी में बहुत ही अच्छा लगेगा ये, तो जल्दी से जाइए और आप लोग भी बाय कीजिए।
चलते हैं मम्मी के पास और देखते हैं खाना पीना का आज क्या बनने वाला है। बाकी हम इनका भी इंतजार कर रहे हैं, स्कूल गए हैं, तो अभी हम खुद को देख लें कैसा लग रहा है। वाह यार, कितना सुंदर सुंदर ड्रेस मिल रहा है। और इसका लेंथ भी बताओ, हम पता है क्या, हमको ड्रेस जब सिलवाना होता था ना, हमको बहुत दिक्कत होता था, सिलवाएंगे तो कहीं फिटिंग, कहीं लूज, कहीं फिटिंग, ऐसा हो जाता था। लेकिन अब खुद जितना सिलाने में हमारा लगता था ना 400-500 रुपया, उतना का ये सब सूट आ जा रहा है। सूट और इतना अच्छा डिज़ाइन प्लस पूरा स्टिच, आपको सिलवाने दबवाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इसे तो ज़रूर मंगाइए, क्योंकि इसका लेंथ भी पैंट का बहुत मस्त है। तो चलिए अब चलते हैं उधर, अब थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। ठीक है गाइस, तो अभी आ गए मम्मी पास। बाप रे, लग रहा है कितना दिन बाद ऐसे वीडियो बना रहे। और यहाँ पे ये भी आ गया, मेरा साड़ी का कितना अच्छा कलर आ रहा है। मम्मी का ये साड़ी भी मीशो का है जो कि ब्लू कलर का है, और ये सिक्किम पहन के गई हुई थी ना पहले। हम लोग गए थे जब सिक्किम, तो मम्मी भी यही वाला साड़ी पहनी थी और सुंदर लग रहा था। अभी भी इतना रात को पार्सल आ ही रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं। बाकी अभी मम्मी खूब पैसा कमा रही हैं, तो आप लोग को पता लग जाएगा, बस नजर ना लगे। सबको अपना अपना कमाए भाई, मेहनत करे तो क्या, जागे सो पावे सोवे सो। सही बात है मम्मी, आज देखिए जग के काम करो ना तो एकदम हो जाता है। ये सब दिन तुम्हारा है, तुम आइए मेरे घर में तो सबको अपना अपना मेहनत भी तो किया है। मेहनत किए हैं लो, मेहनत बिना कुछ थोड़े होने वाला है। हम भी छोड़ देते तो थोड़े कमाते हैं, मेहनत तो है, मेहनत लेकिन देखा देंगे तो तुम्हारा दिमाग भी लगाना पड़ता है। हम ही लोग नहीं, घर वाला नहीं, बाहर वाला। अब जब हम लोग का स्टार्टिंग हुआ था यूट्यूब, तो अगल बगल भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे उस समय, नहीं ना बनता था, शिकायत हो रहा था। लेकिन अब सब लोग शिकायत कर रहा था क्योंकि नए नए थे हम, तो मामी से आके बोलते थे। हमको भी उस समय शौक था कि खूब अच्छा से दुल्हन खन रखेंगे तुमको। रेडी वेडी तो होते ही थे, डेली रेडी करवाते थे। पता है उस टाइम ना इतना हंसते रहते थे ना कि थोड़ा सा उदास होंगे तो मम्मी कहीं क्या हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है तुमको बता। शाम को रेडी नहीं होंगे तो मम्मी पूरा साड़ी ना इसको दे दिए थे, अच्छा अच्छा साड़ी, बोले थे कि जितना पहनना है तुम पहनो। और उस टाइम हम अपना ज्वेलरी भी इसको बाली अपना गला का वाला, नहीं निकाल दिए, वो कितना दिन तक पहने इसको दे दिए थे कि लो पहनो तुम, इयररिंग पायल जो मन करता था पहनती थी, बेटी या बहू यही थी, पूजा का शादी कर दिए थे और यही। लेकिन हम आपका बहुत सामान पहने है ना, कान में का जाके हम बोले देते थे मम्मी ये वाला पहन लिए, चल गए तो थोड़ा सा दूरिया हो गया इससे। पहले बोल देते थे मम्मी ये वाला कान में दीजिए ना, अच्छा ये नेकलेस दे दीजिए ना, अभी भी कहती है सब तो दे देते हैं, ये नहीं है कहीं जाना आना है तो है मेरे पास तो ले लो, सब क्या करेंगे सब तो। बाकी मम्मी का बर्थडे था तो पापा जी गिफ्ट दिए हैं, तो कितने लोग देखे हैं ये मम्मी का गिफ्ट। लेकिन अब पापा जी का कुछ पड़ता है ना तो मम्मी को नहीं देखी मैं गिफ्ट देती हुई, अभी तक नहीं देखे हैं उनको। हम बड़ा सा गिफ्ट देते हैं मालूम है, पिछला के उसके पिछला बार था ना तो बाइक दिए थे हम 85-86 हज़ार का, और जो एक अभी गाड़ी रखा हुआ है वो भी हम बाइके दिए हैं उनको, तो उनका गाड़ी खराब हो जाता था। अब पापा जी का क्या है, एनिवर्सरी होगा तो आप भी दीजिएगा ना, 2 दिसंबर का बर्थडे है। सही है, तो 2 दिसंबर का तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए ताकि पापा जी को कुछ खरीद देना, कुछ बड़ा खरीद आएगा, कुछ बड़ा, ये सोना चांदी से भी बड़ा, उससे बड़ा का खरीद आएगा, क्या करेंगे वो हमारे ही पास रहेगा देंगे। सही बात है, कुछ ऐसा दिलाएगा कि पापा जी यूज कर पाए क्या। सचिन चेन दे ये दिया है, आपका चेन ना पहनेगा, अंगूठी पहनेगा, चेन पापा पहनते हैं, पहने उसी समय। चलिए वो तो कम से कम काम का चीज हो गया, नहीं तो पापा जी कुछ पहन ही नहीं पाते हैं, रिंग वगैरह, रिंग पहनते हैं पापा। हम ही को नहीं देता है सचिन, यहीं पे बैठा है, अबे लड़ने लगेगा, इधर बैठे हुए हैं। अरे बहुत ज्यादा बिजी है, सोच रहे हैं हमारा ब्लॉग है इसलिए बोल नहीं रहे हैं, जब इनका होगा ना तो फटफट बोलते हैं। किसका है, तुम्हारा, उनका, ये हमारा है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। हमारे से दुनिया के लिए बना रही है, दोनों तो इन्हीं लोग का है, ये हो चाहे वो हो, हम तो यही जानते हैं भाई, दो आदमी है तो एक साथ है तो दोनों का एक ही है। क्या है, आज बोला है इसको ना कि इधर से कान पकड़ेगी या चाहे इधर से बात एक ही होगा, पकड़ेगी। और ये मेरा गोल्ड का है देखो कान का, अच्छा यही है, सुबह में चेंज कर रही थी, नाक में कभी चेंज किए हैं।
सही आप, आपका सवाल हो जा रहा है सोना, हमको तुम रखी है पॉइंट नहीं लेंगे, हमको ये पता है चेंज करना पड़ता है। हाँ इसीलिए पहन ले रहे हैं, छोटा छोटा कान में का मंगा नहीं, वो हमको नहीं सुना, मेरे को पता है so बहुत तो अच्छा चीज आया, मेरा भी एक आएगा ब्लॉग शाम के रात में आएगा, आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा। मम्मी सारे सवालों का जवाब मम्मी के चैनल पे ही मिलेगा, बाकी अभी नहीं है, पापा जी बाहर है देखते हैं। और ये देखिए छोटू पार्सल लेके आ रहा है इस टाइम पे भी, जो भी चाहिए मम्मी का साड़ी चाहिए तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा, इसका लिंक मिल जाएगा। वैसे हमको बोल रहे थे बहुत लोग, मनीषा लेकिन ये बिना आयरन का नहीं कोई पहन सकता, पता है हमको बोल रहा था लेकिन तुम आंटी से सीखो ना, वो मीशो से ऐसा ऐसा साड़ी मंगाई है, तो हम तो आप ही का साड़ी दिखाए हैं और उसके बाद से जो मंगाए थे वो दिखाए थे, तो मेरा हाथ दुख गया बहुत तेज, बाकी लो मंगा गए नारियल पानी पियो लो, बोल रहा है नारियल पानी जूस उस लिया होगा घर में, ये इधर से बोलते हैं आते हैं, कुछ नहीं मिलता उधर जाना पड़ता, इतना मेहनत पड़ता देख पर तू हूं कि आई हूं सब तो जितना मेहनत लगेगा उससे तीन गुना मेहनत लाने में लग जाएगा, एक बार बाइक से आ जाइए, बाइक से आ जाइए, ऑटो से जाना पड़ेगा तब, ये ला देगा बाप। चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, बहुत लोग बोल रहे थे कि ये तो बात सही है, बहुत लोग बोलते हैं कि तुम लोग जितना मेहनत करते हो उतना खाओ पियो, नहीं जूस खाना पियो, तुम ध्यान नहीं देती हो, नारियल पानी पियो और पता नहीं क्या क्या होता है, तो सुबह सुबह नारियल पानी ला देंगे, उनको भी टाइम नहीं मिला है, तो 12 आज को बजे 3 बजे पापा जी तो 2-3 दिन से नहीं खा रहे हैं, नाश्ता ही नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए बने रहिए आप लोग।